तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत में लोकसभा चुनाव के बीच चीन पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा झटका। पीओके में चीन और पाकिस्तान आए साथ, एलओसी पर तैनात की तोप, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। प्रधानमंत्री मोदी के घर वाराणसी में लगे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे, तो टेंशन में आई भाजपा, इस बार बीजेपी वाराणसी में हो सकती है क्लीन बोल्ड। राफा शहर पर हमला करने के बाद इजराइल के विरोध में उतरे फ्रांस, तुर्की, इजिप्त, नेतन्याहू भी जिद पर अड़े। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से मचेगा बवाल। जेल से बाहर आने पर आजम खान की पत्नी ने सरकार और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा षड्यंत्र के तहत हम तीनों को भेजा गया जेल। गाजा पट्टी की जंग में कूदा चीन, फिलिस्तीन की मदद करने का किया ऐलान, मुस्लिम देशों का बुलाएगा सम्मेलन, नेतन्याहू की बड़ी चिंता। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने से नाराज हुए असदुद्दीन ओवैसी, बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का एक दिन घर होगा वीरान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार को चीन पाकिस्तान से लगा झटका। पीओके में चीन पाकिस्तान आए साथ, एलओसी पर तैनात की तोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार को चीन पाकिस्तान से बड़ा झटका लगा है और चीन पाकिस्तान भारत के खिलाफ पीओके में एक साथ आ गए हैं, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि एलओसी पर चीन और पाकिस्तान ने मिलकर 155 मिमी ट्रक माउंटेड होविस्टर तोप तैनात की है। वहीं आपको बता दें कि ये तोप कई जगह पर एलओसी पर देखी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान के इस कदम के बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और भारत को सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान चीन से हो गया है। दूसरी तरफ चीन ने अपने सैनिक भी एलओसी पर भेज दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बार ऐलान किया है कि वो पीओके को लेकर रहेंगे। इसी को देखते हुए चीन पाकिस्तान दोनों साथ आए और दोनों ने पीओके में तोपे तैनात कर दी हैं, जिससे मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के घर वाराणसी में लगे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का सातवां चरण आज होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इस दिन मतदान होगा। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रदर्शन जोर शोर से वाराणसी में शुरू हो चुका है, लेकिन आपको बता दें कि वाराणसी में अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए राहुल गांधी ने मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को खड़ा किया है, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के घर वाराणसी में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट पर जब वोटिंग हो रही है तो सुबह से ही कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी लोकसभा सीट को हार सकते हैं क्योंकि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को नकारा है और जनता इस बार वाराणसी में मोदी अमित शाह के खिलाफ खड़ी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राफा पर इजराइल के हमले से फ्रांस, तुर्की, इजिप्त हुए नाराज, नेतन्याहू भी जिद पर अड़े, अब मिडिल ईस्ट में मचेगा बवाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि राफा पर हमला करने के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। गाजा में इजराइल के हमलों पर फ्रांस, तुर्की के राष्ट्रपति ने नाराजगी जताई है। अमरीका लगातार इजराइल से संयम बरतने को कह रहा है। इजिप्त की ओर से भी अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है। सोमवार को इजिप्त के सैनिकों ने भी इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया है। हालांकि नेतन्याहू भी अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। नेतन्याहू ने एक बार फिर से ये ऐलान कर दिया है कि वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू हर तरफ से घिर गए हैं क्योंकि आपको बता दें कि कई देश अब खुलकर जो है फिलिस्तीन के साथ आ गए हैं। फ्रांस और तुर्की, इजिप्त ने खुलकर फिलिस्तीनियों का साथ दे दिया है और वो इजराइल के खिलाफ उतार आए हैं, जिससे नेतन्याहू की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल से बाहर आने के बाद आजम खान की पत्नी ने बीजेपी सरकार पर लगाया षड्यंत्र का आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने सरकार, पुलिस और प्रशासन पर मिले होने का आरोप लगाया है। आजम खान की पत्नी ने कहा कि उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र किया गया है। जिस मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है उसमें सारे सबूत मौजूद थे, लेकिन
फिर भी कोर्ट ने उन्हें नजरअंदाज किया। आजम खान की पत्नी ने कहा कि जिस माहौल में हमें सजा पर सजा दी जा रही है वो सुनियोजित षड्यंत्र है जिसमें सभी लोग बराबर से शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन, सरकार और मीडिया से भी हमें शिकायत है कि उन्होंने कभी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश नहीं की। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान की पत्नी ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं, क्योंकि आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को हाई कोर्ट ने कई मामलों में जमानत दे दी है। लेकिन जमानत मिलने के बाद आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं, उनकी पत्नी जेल से बाहर आ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी की जंग में कूदा चीन, फिलिस्तीन की करेगा मदद, मुस्लिम देशों का बुलाएगा सम्मेलन। दोस्तों आपको बता दें कि राफा शहर में इजराइल के ताजा हमले के बाद इजराइल हमास युद्ध एक बार फिर से चर्चा में है। इसी बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को बीजिंग में अरब देश के नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन की शुरुआत की है। यहां जिनपिंग ने गाजा में प्रभावित लोगों के मानवीय सहायता देने की घोषणा की है और फ्री फिलिस्तीन के नारे को भी दोहराया है। शी जिनपिंग ने चीन अरब स्टेटस को ऑपरेटिंग फोरम का उद्घाटन करते हुए अपने भाषण में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अब किसी भी कीमत पर इजराइल के हाथ में हम फिलिस्तीन को नहीं रहने देंगे और फिलिस्तीन को इजराइल के हाथ से आजाद कराएंगे और फिलिस्तीन को फ्री कराएंगे। वहीं आपको बता दें कि चीन के इस ऐलान के बाद नेतन्याहू सहित अमेरिका की नींद उड़ गई है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने कहा है कि वह फिलिस्तीन की हर मुद्दे पर मदद करेगा और उनके लिए $500 मिलियन भी देगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि चीन ने इतनी बड़ी सहायता कर दी है जिससे मोदी सरकार सहित। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने से नाराज हुए ओवैसी, बोले एक दिन यूई का घर भी होगा वीरान। दोस्तों आपको बता दें कि एएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनको जुल्म का खात्मा होगा, जो बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं इंशाल्लाह उनका भी घर एक दिन वीरान होगा। वह नटवा में पीडीएम गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान पल्लवी पटेल भी मौजूद रही और इसी दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक बहरूपिया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और वो बहरूपिया आए दिन मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें उन्होंने सरकार, पुलिस और प्रशासन पर मिले होने का आरोप लगाया है। आजम खान की पत्नी ने कहा कि उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र किया गया है। जिस मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है उसमें सारे सबूत मौजूद थे, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उन्हें नजरअंदाज किया। आजम खान की पत्नी ने कहा कि जिस माहौल में हमें सजा पर सजा दी जा रही है वो सुनियोजित षड्यंत्र है जिसमें सभी लोग बराबर से शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन, सरकार और मीडिया से भी हमें शिकायत है कि उन्होंने कभी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश नहीं की। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान की पत्नी ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं, क्योंकि आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को हाई कोर्ट ने कई मामलों में जमानत दे दी है। लेकिन जमानत मिलने के बाद आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं, उनकी पत्नी जेल से बाहर आ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी की जंग में कूदा चीन, फिलिस्तीन की करेगा मदद, मुस्लिम देशों का बुलाएगा सम्मेलन। दोस्तों आपको बता दें कि राफा शहर में इजराइल के ताजा हमले के बाद इजराइल हमास युद्ध एक बार फिर से चर्चा में है। इसी बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को बीजिंग में अरब देश के नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन की शुरुआत की है। यहां जिनपिंग ने गाजा में प्रभावित लोगों के मानवीय सहायता देने की घोषणा की है और फ्री फिलिस्तीन के नारे को भी दोहराया है। शी जिनपिंग ने चीन अरब स्टेटस को ऑपरेटिंग फोरम का उद्घाटन करते हुए अपने भाषण में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अब किसी भी कीमत पर इजराइल के हाथ में हम फिलिस्तीन को नहीं रहने देंगे और फिलिस्तीन को इजराइल के हाथ से आजाद कराएंगे और फिलिस्तीन को फ्री कराएंगे। वहीं आपको बता दें कि चीन के इस ऐलान के बाद नेतन्याहू सहित अमेरिका की नींद उड़ गई है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने कहा है कि वह फिलिस्तीन की हर मुद्दे पर मदद करेगा और उनके लिए $500 मिलियन भी देगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि चीन ने इतनी बड़ी सहायता कर दी है जिससे मोदी सरकार सहित। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने से नाराज हुए ओवैसी, बोले एक दिन यूई का घर भी होगा वीरान। दोस्तों आपको बता दें कि एएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो लोग
लोग जुल्म कर रहे हैं उनको जुल्म का खात्मा होगा। जो बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं इंशाल्लाह उनका भी घर एक दिन वीरान होगा। वह नटवा में पीडीएम गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान पल्लवी पटेल भी मौजूद रही और इसी दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक बहरूपिया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और वो बहरूपिया आए दिन मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा देता है, जो कि बिल्कुल गलत है।